नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो भी आप सभी लोगों के सामने रख दिया गया है कि कौन कौन से जो लोग होंगे, जो बड़े लोग होंगे, बड़े नेता होंगे, वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, पार्टी हो या गठबंधन, क्योंकि महागठबंधन हो, एक तरफ एनडीए हो, तमाम जो पार्टियाँ हैं गठबंधन है उसके जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। लेकिन बात की जाए एनडीए के, तो एनडीए में एनडीए की तरफ से भी, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हो, ये सभी लोगों का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। लेकिन अब जो खबर आ गई है कि आज से आदित्यनाथ योगी जो है वो बिहार दौरे पर हैं, दो दिन के लिए प्रचार करेंगे। उसमें जेडीयू के कई ऐसे सीट हैं जिस पे नीतीश कुमार की तरफ से आग्रह गया कि आदित्यनाथ योगी जो इस सीट पर भी आकर प्रचार करें, ताकि वोट बैंक हो सकता है कि परसेंटेज बढ़ जाए आदित्यनाथ योगी के आने से। इसको लेकर अब कई सीट ऐसे हैं, मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो पालीगंज भी एक सीट है जहाँ से जयवर्धन यादव हैं, पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू में चले गए, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पालीगंज से, वहाँ से आदित्यनाथ योगी उनके लिए प्रचार करेंगे, नीतीश कुमार के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अब आदित्यनाथ योगी प्रचार करेंगे, लेकिन याद कीजिए 2009 लोकसभा चुनाव और 2010 विधानसभा चुनाव, जिस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनको बिहार आने पर रोक लगा दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार के मोदी काफ़ी हैं बिहार की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के मोदी या गुजरात के मोदी नहीं चलेंगे। यानी कि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर बैन लगा दिया गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि वो प्रचार करने के लिए नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी ही काफ़ी हैं बिहार की जनता के लिए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ गई है नीतीश कुमार को, इस बात का एहसास हो गया है कि कुछ लोग आएंगे तो हो सकता है मेरा वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा। और आदित्यनाथ योगी भी आ रहे हैं, बिहार में कई ऐसे सीट हैं जो जेडीयू के सीट पर वो प्रचार करेंगे, आज से शुरुआत हो गई है, पालीगंज में सभा करेंगे जयवर्धन यादव के लिए जो कि जेडीयू उम्मीदवार हैं, जेडीयू के लिए भी प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए नहीं जेडीयू के लिए भी प्रचार करेंगे। जो नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री मोदी जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन पर बैन लगा दिया था कि वो प्रचार नहीं करेंगे, वही अब आदित्यनाथ योगी की ज़रूरत पड़ गई है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार हमेशा एक ऐसी बात करते हैं कि हम उस तरह के लोगों से प्रचार नहीं करा सकते हैं, जिस तरह के लोगों आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं बातों को, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ गई है कि आदित्यनाथ योगी आएंगे तो हो सकता है इनकी सीट में बढ़ोतरी हो जाएगी, वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हो जाएगा। तो अब जो है आदित्यनाथ योगी नीतीश कुमार के लिए प्रचार करेंगे बिहार में। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।